अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हिंदी लोकवाणी दसवीं कक्षा के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। माध्यम उर्दू, कक्षा है हमारी दसवीं, विषय हिंदी और पाठ का नाम है, पाठ क्रमांक 2 कलाकार। ये दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है, इसका नाम है कलाकार। ये बहुत खूबसूरत एक कहानी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं कलाकार के रूप में। तैयार है बच्चों आप लोग? ओके, चलिए। मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 2 दूसरी इकाई का, जिसे लिखा है राजेंद्र यादव जी ने। बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। किसने लिखा है? राजेंद्र यादव जी। चलिए सबक पढ़ने से पहले राजेंद्र यादव जी का परिचय कर लेते हैं कि राजेंद्र यादव जी कौन थे। जी हाँ, ये है राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जन्म 1929 आगरा उत्तर प्रदेश, है ना। आगरा का और क्या चीज़ मशहूर है जल्दी बताइए। वेरी गुड, आगरा का ताजमहल मशहूर है। और उनकी मृत्यु हो गई है, ये अब हमारे बीच में नहीं है, इनकी मृत्यु हुई है 2013 शहर दिल्ली में। परिचय, राजेंद्र यादव जी साटोत्री पीढ़ी के जाने माने उपनय सकार एवं साहित्यकार हैं। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में अपनी नई विधा का सूत्रपात किया। उपनय सरकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और अपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। तो ये थे राजेंद्र यादव जी। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख कृतियाँ क्या क्या इन्होंने किया है अपने जीवन में, कौन सी कहानियाँ लिखी है राजेंद्र यादव जी ने, इनकी प्रमुख कृतियाँ देखें तो इनकी जो सबसे बेहतरीन किताब है, बुक है, वो है जहाँ लक्ष्मी कैद है। उसके अलावा छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, कहानी संग्रह है, कहानी है बहुत सारी। उसके बाद है सारा आकाश, आपको यहाँ पर दिख रहा है, शह और मात तथा उकड़े हुए लोग, उपन्यास आदि, ये तमाम उनकी प्रमुख कृतियाँ थी राजेंद्र यादव जी की। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें
लिखी है अपने लाइफ में, जिन्हें काफ़ी लोगों ने सराहा है, पढ़ा है और काफ़ी पसंद किया है। तो ये थी इनकी प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने ये जो काम किए थे अपने लाइफ में उसकी ये छोटी सी झलक है। बढ़ते आगे और देखते हैं गद्य संबंधी के ये पाठ में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वो अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है, अपने कला के प्रति ईमानदार रहता है। कलाकार जो है, कलाकार मतलब उसके अंदर कला है, वो अलग अलग काम कर सकता है। और वो कौन था? बहुरूपिया, यानी वो अलग अलग रूप धारण कर सकता है, अलग अलग रूप ले सकता है। वो अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदारी रखता है, वह अंत तक आखिरी तक क्या रहता है, वो ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। अभी हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं कि जो कलाकार है, जो बहुरूपिया है, वो एक साधु का रूप ले लेता है और फिर किस तरह उसकी लाइफ में अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और किस तरह उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। क्या वो साधु बना रहता है या फिर कलाकार के रूप में वापस आता है, ये हम इस पार्ट में जानने वाले हैं। लेकिन उसकी सोच भी साधु जैसी हो जाती है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। व्यवसाय मतलब जो हमारा पेशा है, जो हमारा काम है, उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। ना कि हमें व्यवसाय के लिए, बल्कि हर चीज़ में क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए कि जितना टाइम हमें पढ़ने के लिए हमने तय किया है उतना टाइम हमें पढ़ना ही है, वो है ईमानदारी। अगर स्कूल आपको जाना है तो स्कूल में जो हम काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई डांडी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई झोल नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी होना चाहिए और हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने व्यवसाय, अपने पेशे के लिए और हर चीज़ के लिए क्या रखना चाहिए? ईमानदारी रखना चाहिए। तो ये इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा चलते हैं हम हमारे कलाकार बहुरूपिया की तरफ, यानी करते हैं सबक और कहानी की शुरुआत। तैयार है आप लोग? ओके। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं, इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। हाँ, बहुरूपिये अब दिखाई नहीं देते थे, ये पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में बहुरूपिये होते थे, वो अलग अलग रूप धारण करते थे और बड़े बड़े रईसों को और उनको क्या करते थे, मनोरंजन उनका करते थे। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये हर नगर में नज़र आते थे। क्या कहते थे? हर नगर में नज़र आते थे। किस लिए आते थे? रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए। जैसे हमारे लिए इंटरटेनमेंट करने के लिए आज क्या है, हम लोग गार्डन में जाते हैं, है ना। गार्डन से बोर हो गए तो फिर हम सिनेमा घरों में जाते हैं, मूवी देखते हैं। उससे भी बोर हो गए तो फिर हम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, बराबर ना। ये हमारा इंटरटेनमेंट है, हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं। अभी तो हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं मनोरंजन करने के लिए। लेकिन पुराने ज़माने में ये तमाम चीज़ें नहीं थी, तो यही उनका सहारा था मनोरंजन के लिए। तो जो बहुरूपिये थे, अलग अलग प्रकार का रूप धारण करके रईसों और अमीरों का मनोरंजन करते थे। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपी प्रा हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। वो बहु उसी तरह का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। ऐसा लगता था बिल्कुल के वो वही चीज़ है, वही लोग है। अगर उन्होंने धोबी का रोल लिया है, धोबी का रूप लिया है,
तो वो पूरी तरह धोबी के रूप में ढल जाते थे, इतने बेहतरीन वो कलाकार होते थे। अगर उन्होंने डाकिया का रूप लिया तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल डाकिया ही है, कोई भी चक्कर खा जाए, कोई भी उनको पहचान नहीं पाए। इस चोटी के वो कलाकार होते थे, इस तरह के वो कलाकार होते थे कि जो भी वो काम करते थे एकदम बेहतरीन अंदाज में करते थे कि किसी को खबर भी ना हो कि ये एक्चुअल में एक बहुरूपिया है, ना के धोबी। समझ में आ रहा है आपके? तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हमारे काम में परफेक्ट होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, हाँ पूरी तरह से करना चाहिए। आप तमाम लोग तो जानते ही हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो एकदम परफेक्टली करें। तो ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का, हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। लोग क्या हो जाते थे, भ्रम में चले जाते थे कि हाँ वाकई इस तरह का कोई रोल कर सकता है, इस तरह का कोई रूप ले सकता है, ये एक कलाकारी कर सकता है, एक बहुरूपिया ही कर सकता है। समझ में आ रहा है आपके? ये है कहानी की शुरुआत के बहुरूपिया क्या करते थे। अलग अलग प्रकार का रूप धारण करके अमीरों का, रईसों का मनोरंजन करते थे, हर नगर में वो पाए जाते थे, और इस तरह का उनकी कलाकारी होती थी कि कोई भी भ्रम में आ जाता था। बढ़ते हैं आगे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। अब क्या करते थे वो, रईसों का और अमीरों का मनोरंजन करते थे, और मनोरंजन करने के बाद जब सामने वाला धोखा खा जाता था तब उन्हें इनाम देता था। क्या कहता था, यही उनका व्यवसाय था, यही उनका पेशा था, यही उसका काम था। किसका, बहुरूपिये का। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाले रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। कहाँ सुना था, राजस्थानी लोक कथाओं में। कौन कह रहा है ये, जल्दी बताइए कौन है इसके राइटर, किसने लिखा है ये सबक पाठ। राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था, और मुझे वो अभी भी अच्छी तरह याद है। क्या कह रहे राजेंद्र यादव जी, लोक कथाओं में सुना था, राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था, और वो मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा हुआ है। क्या कह रहे राजेंद्र यादव जी कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुरूपिया बैठा हुआ है। अगर हम गौर करें हमारी लाइफ पर, हमारी जिंदगी पर हम गौर करें तो हमें ये महसूस ज़रूर होगा कि हमारे यहाँ भी कई रूप हैं। हम स्कूल में अलग होते हैं, दोस्तों में अलग होते हैं, घर में अलग होते हैं, अम्मी के सामने अलग होते हैं, अब्बू के सामने अलग होते हैं, बराबर ना, फ्रेंड्स के सामने अलग होते हैं। तो अलग अलग रूप हमारे अंदर भी मौजूद है। तो लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा हुआ है। कौन कह रहा है ये, राजेंद्र यादव जी। इन्हें राजस्थानी लोक कथाओं की याद आ गई थी। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाए, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोट। उसके रूप में कोई कसर नहीं थी और वो संसार त्यागी साधु ही लगता था। क्या लगता था, संसार त्यागी साधु। तो एक बार एक बहुरूपी ने क्या किया, साधु का रूप बनाया, सर पर जटाए। ये दिख रही है आपको, सर पर जटाए,
ये इधर भी आपको जटाएं दिख रही है, इस तरह ये जटाएं दिख रही है आपको, इस तरह की ये जटाएं बना, नंगे शरीर पर भस्म, यहाँ आपको भस्म दिख रहा है, हाँ ये है भस्म। माथे पर त्रिपुंड, ये दिख रहा त्रिपुंड, तीन लकीर होती है ना आड़ी और खड़ी, उस तरह की। उसके रूप में कोई कसर नहीं थी, वो संसार त्यागी साधु ही लगता था। अब संसार त्यागी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे? संसार त्यागी का मतलब, संसार त्यागी मतलब पूरे संसार, अपना परिवार, संसार छोड़ देना, त्याग देना, समझ में आ रहा है ना? बोलते हैं ना, मैं सब कुछ त्याग दे चुका हूँ, अब मैं सन्यासी बन गया हूँ, उस तरह ये संसार त्यागी साधु लग रहा था। तो समझ में आ रहा है आपकी कहानी? एक बार एक बहुरूपी ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाए, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लगोट, उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वो संसार त्यागी साधु ही लगता था। इस तरह उसने अपना रूप बनाया था कि बिल्कुल संसार त्यागी साधु लग रहा था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, जो नगर था, जो शहर था, उसके बाहर पेड़ के नीचे झोपड़ी तैयार की, बागीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा। क्या हुआ? समाचार फैलने लगा। पहले एक को मालूम हुआ, बराबर, फिर एक ने तीन लोगों को बताया, और फिर तीन ने इतने लोगों को बताया, और ये सिलसिला चल ही रहा था। तो धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। क्या किया उसने? नगर के बाहर पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई, थोड़ा सा बागीचा बनाया और तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा कि हाँ, कि बाहर एक बहुत पहुँची हुई हस्ती आई है, एक महात्मा है, उन्होंने आकर अपना डेरा लगाया है। समझ में आ रहा है आपके? इस तरह पूरे नगर में ये बात फैल गई कि एक महात्मा हमारे नगर के बाहर आए हैं, डेरा डाले हुए है। क्या हो गया? आप हाँ, एक बहुरूपी ने साधु का रूप लिया, बिल्कुल साधु की तरह रूप उसने अपना बनाया, जटाए, भस्म, त्रिपुंड सब लगाया, कमरबंद लगाया वगैरह सब लगाकर वो नगर के बाहर एक झोपड़ी उसने अपनी बनाई, उस वहाँ पर थोड़ा सा बागीचा बनाया और तपस्या करने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में बात पहुँच गई कि एक महात्मा ने आकर डेरा डाला है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। अब लाइन लग गई है उसके पास लोगों की, लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं, लेकिन था वो एक बहुरूपिया। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। क्या लगी रहती थी? सारे दिन भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेश में जादू है और उनके आशीर्वाद से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जा बेटा जा, तेरा कष्ट दूर होगा। लोग कहते थे कि उनके आशीर्वाद से सारे कष्ट दूर हो जाते थे। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता था। तो वह बहुरूपिया क्या था? बहुरूपिया था, लेकिन लोगों को उसके आशीर्वाद में और उसके उपदेश में जादू नजर आ रहा था। तो अपनी कृति को साधु कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराता था कि ये क्या हो गया, मैं तो एक बहुरूपिया हूँ लेकिन लोगों को मेरे आशीर्वाद से, मेरे उपदेश से फायदा हो रहा है।
तो क्या हो गया, लोग उसके दर्शन को आने लगे, चारों तरफ उसका यश फैल गया। यश मतलब उसकी कामयाबी फैल गई, उसका जादू फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेश में जादू है, उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते थे। साधु भी हंसता था अपने आप पर, वाह मैं कितना महान हूँ, आश्चर्य होता था उसको, मन ही मन वो मुस्कुराता था। इतना समझ में आया आपके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया, नगर का जो सबसे बड़ा सेठ था, तो उससे किसी ने साधु का जिक्र किया कि देखो इस तरह के साधु आए हैं हमारे नगर के बाहर, तपस्या करते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके उपदेश से, उनके आशीर्वाद से लोगों को बहुत फायदा होता है। तो जिक्र किया तो वो अविश्वास से हंस पड़ा। कौन? नगर का सेठ। अविश्वास, उसको यकीन नहीं हुआ, वो हंस पड़ा और बोला ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। क्या कहा उसने? ऐसे ढोंगी तो कितने आते रहते हैं और मैं कितने को देख चुका हूँ। और वो अपने कारोबार में लग गया। कौन? नगर का सबसे बड़ा सेठ। उसने कहा कि ऐसे तो बहु रुपये बहुत आते हैं, बहुत देखा मैंने, और अपने काम में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। क्या हो रहा था? साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा है कि बहुत बड़े साधु है, बहुत बड़े महात्मा है, इनके आशीर्वाद से लोग अच्छे हो जाते हैं, इनके दर्शन से लोग अच्छे हो जाते हैं, लोगों को कष्ट दूर हो जाता था। इस तरह की बातें चारों तरफ फैलने लगी। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपी जीवन में लौटने में क्या रखा है। हाँ, अब मैं तो बड़ा साधु बन गया हूँ, बहुरूपी जीवन में लौटने का कोई मतलब नहीं, अब मैं साधु ही अच्छा हूँ, लोग आ रहे हैं, लोगों को मेरे से फ़ायदा हो रहा है, लोग इतना मेरे पर यकीन कर रहे हैं, इतनी मेरी इज्जत कर रहे हैं, इतनी लाइन लग रही है मेरे लिए, मेरा आशीर्वाद ही लोगों को अच्छा कर दे रहा है ना। तो वो सोच रहा था कि मैं क्यों बहुरूपी जीवन में वापस लौटूं, था तो वो बहुरूपिया, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बहुरूपिया, अलग अलग रूप धारण करके लोगों को भ्रम में डाल देता था, और जब लोग भ्रम में गिर जाते तो उनसे इनाम के तौर पर पैसे वसूल करता था, रईसों से और अमीरों से, बराबर ना। तो वो सोच रहा कि अब मैं वापस जाके क्या कहूँ, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए, इसी जीवन को कंटिन्यू करे, साधु ही रहे पूरी ज़िंदगी भर। क्या सोच रहा था वो, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता है कि धिक्कार है तुझ पर कि वो ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। उसका ज़मीर जिंदा था, उसके अंदर ईमान बाकी था, उसका मन उसको धिक्कारता है कि ये तू क्या कर रहा है, ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो तेरे पेशे का क्या होगा, तेरे व्यवसाय का क्या होगा, तेरे व्यवसाय के साथ ये बेईमानी होगी। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। बस वो यही सोच रहा था कि मैं अब साधु बना रहूं या फिर बहुरूपिया वापिस बन जाऊं, साधु के रूप से बाहर आकर बहुरूपिया बन जाऊं। तो अभी उसने कोई फैसला नहीं किया था, साधु बना रहेगा या फिर बहुरूपी की ज़िंदगी में वापस आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या यहाँ पर साधु का जो नाम था चारों तरफ फैल गया था। साधु कभी कभी सोचता है कि अब फिर बहुरूपी जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्काने लगता है, ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन गुजरने लगे। कहानी समझ में आ रही है ना आपके? हाँ, एक बहुरूपी ने साधु का रूप लिया, एक नगर के बाहर झोपड़ी बनाई और वहाँ पर गार्डन लगाया, फिर लोगों को मालूम पड़ा तो लोग उसके दर्शनों के लिए आने लगे और लोगों को उससे फ़ायदा भी होने लगा। और ये बात एक सेठ को मानी तो उसने ये बात माना नहीं, लेकिन वो सोच रहा था। कौन? बहुरूपिया सोच रहा था कि मैं साधु बना रहा हूँ या फिर अपनी एक्चुअल ज़िंदगी में, अपने पेशे में, अपने व्यवसाय में वापस जाओ, जो कि उसका पेशा था बहुरूपिया। अब इसके आगे देखते हैं। एक बार
सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। क्या हो गई? सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, अलग अलग तरह का इलाज किया गया, लेकिन सीतानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वो अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ तैयार हो गया। अब आया है कहानी में ट्विस्ट। अब जो सेठ था वो साधु को बिल्कुल मानता नहीं था। अब उसकी पत्नी क्या हो गई थी? बीमार हो गई थी। दुनिया भर का उसने सेठ ने इलाज कराया, डॉक्टर के पास ले गया, सा बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, बड़े बड़े इलाज उसके कराया, लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं हुई। किसकी? सेठ की पत्नी। तो मित्रों और शुभ चिंतकों ने, जो उसके शुभ चिंतक थे, जो उसके बारे में अच्छा सोचते थे सेठ के बारे में, और जो उसके मित्र थे, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने उससे कहा कि एक बार साधु को बताने में क्या हर्ज है, साधु को बता लाओ एक बार। तो वो हार कर तैयार हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ, फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। समझ में आ रहा है आपको कहानी? क्या हो गया? सेठ की पत्नी बीमार हो गई और सेठ ने उसे किसके पास लेकर आया? साधु के पास लेकर आया। साधु कौन था एक्चुअल में? साधु एक बहुरूपिया था। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। किसने? सेठ जी ने। सेठ जी ने क्या किए? साधु के चरण पकड़ लिए। सेठ कह रहा है, महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसके कारण ये करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया है उसमें लाभ ही लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। क्या कह रहे हैं सेठ? सेठ कह रहे हैं कि महाराज इसे जीवन दान दीजिए, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण ये करोड़ों की संपत्ति आई है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ। सेठ अब कहाँ पहुँच गया? साधु के पास। समझ में आ रहा है ना कहानी? तो कहानी क्या, कहाँ से शुरू हुई है? एक बहुरूपिया था, उसने अपना रूप बदला, साधु के रूप लिए, एकदम साधु जैसा रूप बनाया, जटाएं लगाई, बदन पर भस्म लगाया, और गांव के बाहर, नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी के बाहर छोटा सा गार्डन बनाया और वहां पर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे लोगों को पता चला तो लोग उसके दर्शन को आने लगे कि एक महात्मा जी आए हैं, हमारे गाँव के बाहर डेरा डाला है, और फिर लोग उसके उपदेश सुनने के लिए और उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उसके दर्शन के लिए वहाँ तक पहुँचने लगे। वो सोच रहा था कि मैं साधु बना रहूँ या फिर बहुरूपिये के रूप में वापस जाऊँ, वो मेरा व्यवसाय है। ये बात सेठ को किसी ने बताई तो सेठ ने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी बीमार हो गई। बहुत तरह के इलाज उसने करवाया लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं हुई। तो उसके दोस्तों ने, मित्रों ने उससे कहा कि अपनी पत्नी को एक बार साधु के पास ले जाकर बता दो, हो सकता है वहाँ से कुछ इलाज हो जाए, वहाँ पर जाकर वो अच्छी हो जाए। तो थक हार कर आखिर सेठ ने अपनी पत्नी को साधु के पास लेकर आया और उसके चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज इसे जीवन दान दे दीजिए, ये मेरे घर की लक्ष्मी और सब कुछ इसी के कारण मेरे घर में आई है, ये पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद, पूरी चीज़ इसी की वजह से, जो भी काम मैंने लिया हूँ वो पूरा हुआ है। तो ये थी अब तक की कहानी। समझ में आया बच्चों आपके? वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर हमारे पास समय की कमी है,
तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही कहानी हम सुनेंगे। इस कहानी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में सुनेंगे। अगले पार्ट में हम सुनेंगे कि सेठ की पत्नी अच्छी होती है या नहीं, बहुरूपिया सातु बना रहता है या फिर अपने रूप में वापिस आता है। ये तमाम सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में मालूम करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपके एग्ज़ाम। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।